हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे एलोपेसिया इरेटा के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी जो कि 100% काम करती है। तो पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। एलोपेसिया इरेटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके सिर के बाल एक या एक से ज़्यादा जगह से पैचेज में उड़ जाते हैं, इसीलिए इसे पैची हेयर लॉस भी कहा जाता है। मेल्स में ये सेम पैटर्न उनकी दाढ़ी में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उनकी दाढ़ी के बाल पैचेज में उड़ जाते हैं। अब इसे ऑटो इम्यून क्यों कहते हैं, इसे ऑटो इम्यून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस में आपका इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को अटैक करने लग जाता है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। एलोपेसिया एरिएटा भी ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आती है। अब जान लेते हैं कि इसका होने का कारण क्या होता है। इसका पहला कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको किसी भी वजह से हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको स्ट्रेस बन गया, इसलिए आपको एलोपेसिया इरेटा हो सकता है। या फिर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस वजह से आपको एलोपेसिया इरेटा हो गया। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आपको एलोपेसिया इरेटा हो सकता है। और इसका दूसरा रीज़न होता है हेरिडिटी। अगर आपको ये अनुवांशिकता में है, आपकी हेरिडिटी में है, तो भी ये आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में पहला होता है मिनोक्सिडिल, जो कि डॉक्टर्स सभी तरह की हेयर लॉस डिजीजेस में आपको रिकमेंड करते हैं, और आपको देते हैं हेयर ग्रोथ टॉनिक्स, मल्टीविटामिन्स, जो कि इवेंचुअली आपको फ़ायदा करती हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार आपने इसका यूज़ छोड़ दिया तो आपका हेयर लॉस फिर से स्टार्ट हो जाता है, आपको फिर से पैचेस बनने लग जाते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है, तो उस केस में डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं डायरेक्टली जहाँ पे आपको एलोपेसिया का पैच बना है वहीं पर। तो किसी किसी केसेस में ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और किसी किसी केसेस में ये रिजल्ट नहीं देता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। आपको फेस पे पिंपल्स निकल आ सकते हैं, आपकी स्किन ख़राब होने लग जाती है, या बहुत सी दूसरी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने की वजह से। अब बात करते हैं इसकी होम रेमेडी की, जो कि मुझे मिली इंटरनेट पे सर्च करने के बाद। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि बिल्कुल 100% असरदार है। तो आपने क्या करना है कि हमें आयोडीन टिंचर लेना है 5%। आपको ये मेडिकल शॉप्स पे मिलेगा, जो थोड़ी बड़ी होती हैं, रिनाउंड होती हैं, जो कि केमिकल्स में ज़्यादा डील करती हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ पे अगर आप पता करेंगे, तो आपको ये आयोडीन टिंचर वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कलरलेस आयोडीन टिंचर 5% मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता तो आपको जो येलो कलर में अवेलेबल है आयोडीन टिंचर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन्हें करना क्या है, आपको रोज़ आयोडीन टिंचर थोड़ा सा रुई की सहायता से जहाँ पे भी आपके पैचेस बने वहाँ पे लगा लेना है। लेकिन आयोडीन टिंचर लगाने से क्या होगा कि आपकी स्किन का पीएच बिगड़ेगा और वहाँ पे आपको थोड़ी सी खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आप रात में नारियल का तेल लीजिए, जहाँ पे भी आपके पैचेस बने हुए हैं, जहाँ पे आपने सुबह आयोडीन टिंचर लगाया था, वहीं पे आप रात में नारियल का तेल लगा लीजिए। और साथ में आप कोई भी एक मल्टीविटामिन लेते रहिए। इसको आप 20 से 25 दिन करके देखिए लगातार, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपके पैचेस में हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। अब अगर आपको ये भी नहीं करना है तो इस प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वो क्या है, वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस दूर भगाने के लिए हम भारतवासियों के पास सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, हमारे रामदेव बाबा ने हमें प्राणायाम बताया हुआ है। आप प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भस्त्रिका, ये तीन ऐसे प्राणायाम हैं जो कि किसी भी बीमारी को आपके शरीर से भगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप रात में बिस्तर पे लेटे हुए, आप लेटे लेटे अनुलोम विलोम करिए, आपको देखिए आपको बहुत गहरी नींद भी आएगी, जल्दी नींद आएगी, और आपकी और भी सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आपके शरीर से दूर भागने लग जाएंगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे नो स्ट्रेस स्टेट में जाने लग जाएगी। तो आप अनुलोम विलोम ज़रूर करिए अगर आप एलोपेसिया इरेटा से गुजर रहे हैं। इसके अलावा भस्त्रिका, कपालभाति, ये तीन प्राणायाम रामबाण हैं किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन शर्त क्या है कि आपको इसे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और भी किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।